शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले में अवैध हथियारों पर कार्रवाई के निर्देश कोलारस पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो काली शर्ट एवं नीले रंग का जींस पहना है, सफेद रंग के थैले में अवैध हथियार लेकर बेचने की फिराक में खड़ा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर कोलारस पुलिस ने ठाकुर बाबा मंदिर के पास रेलवे पुलिया के नीचे जेल कॉलोनी से विवेक श्रीवास्तव नामक युवक को पकड़कर उसके कब्जे से 1 32 बोर की पिस्तौल एवं 4 315 बोर के देसी कट्टे तथा 32 बोर पिस्तौल के 2 जिंदा राउंड एवं 315 बोर के 5 जिंदा राउंड जब्त कर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एक हमने टमटम श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। ये यही कोलारस का रहने वाला था, मूल रूप से सरजापुर का रहने वाला है और इसको हमने रेलवे स्टेशन के पास एक मंदिर है वहाँ से गिरफ्तार किया है। इसके पास से 1 32 बोर की पिस्टल और 4 315 बोर के देसी कट्टे बरामद हुए। एक मुकदमा दर्ज है। हाँ, इसके खिलाफ 5 आपराधिक मुकदमे पहले भी कोलारस में दर्ज है जो 2021-22-23 के आपराधिक मुकदमे पता करवा रहे हैं बाहर के आपराधिक मुकदमों का। कोलारस में 5 आपराधिक मुकदमे और इस समय 6 आपराधिक मुकदमे हो गए। इसका हम लोग जो मूल रूप से ला रहा है उसका हम अभी पता लगवा रहे हैं कहाँ से लाया था। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।